हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जाने माने एक्टर आशीष शर्मा लंबे समय से अपनी फिल्म हिंदुत्व को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले साल पूरी कर ली गई थी और अब इस फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही फिल्म का मोशन पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेता आशीष शर्मा टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में काम कर चुकी सोनिया भदौरिया और अंकित राज मुख्य रोल में हैं। आपको बता दें, ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हिंदुत्व को जयकारा फिल्म्स और प्रगुण भारत ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के निर्देशक करण राजदान हैं। लीड एक्टर आशीष शर्मा ने मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, जिस सच से रखा गया वंचित हमें, सच्चाई अब वो सुनानी है। हिंदुत्व कोई कहानी नहीं, ये सत्य की वाणी है। बड़े गर्व और सम्मान के साथ हिंदुत्व के लिए 7 अक्टूबर 2022 को देश भर के सिनेमाघरों में मिलते हैं। दोस्तों, करण राजदान ने कई सुपरहिट फिल्में लिखी हैं, जिनमें दिलवाले, त्रिमूर्ति, दुश्मनी, दिलजले सहित कई फिल्में शामिल हैं। करण राजदान टीवी शो रजनी और तहकीकात के निर्देशक भी रह चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, करण राजदान की पिछली फिल्म गर्लफ्रेंड को लेकर काफी विवाद हुआ था और अब उन्होंने हिंदुत्व के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरी पिछली फिल्म गर्लफ्रेंड विवादों में रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व में भी विवाद होना चाहिए। ये फिल्म पूरी तरह से प्यार, त्याग और दोस्ती पर आधारित है। इस फिल्म में एक सामाजिक संदेश है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, बात करें फिल्म के ट्रेलर की, तो सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हिंदुत्व का ट्रेलर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।